हेलो गाइस, स्वागत है यार पापा जी के रेसिपी चैनल पर। और यार एक नया प्रोडक्ट आया है मेरे हाथ में ही आ रहा है, टेक्सन नाम से, सन टेक्सन कंपनी की कोई वॉच आई है। बड़ी छोटी वॉच है, आप मेरे हाथ में देख सकते हो कितनी छोटी लग रही है निकलने के बाद। ये तो बॉक्स है। अब इसमें देखो क्या क्या लिख रखा है, मैनुअल। मैनुअल बाद में पढ़ेंगे, अगर अपन को चलाना नहीं आएगा पहले वॉच निकालते हैं। अच्छा, इन वॉच के अंदर देखो, एक तो ये डबल साइडेड टेप दी इन्होंने कि आप चिपका सकते हो। और आप ये जो ये एरो देख रहे हो ना, ये एरो का भी यूज़ है। एरो का यूज़ ये है कि अगर आप जैसे इसको खींचोगे तो आपकी जो वॉच है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो स्टार्ट नहीं है ये। और ये स्टैंड दे रखा है, देखो ये स्टैंड इस तरह आप लगा सकते हो इसको। आप किस तरह दे रखा है, छोटा सा स्टैंड है। और ये इसके अंदर मेरे को जो ये दिख रहा है स्पीकर है, तो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर देखो क्या क्या है। इन अ नॉर्मल मोड दे विल शो आवर मिनट सेकेंड एंड वीक, पुश डी टू शो डेट एंड पुश एस टू शो अलार्म टाइम। अच्छा, एस दबाने पे अलार्म टाइम, डी दबाने पे डेट बताएगा। अलार्म है भाई इसके अंदर, अलार्म भी है, वॉल्यूम भी है, और स्टॉप वॉच फंक्शन, स्टॉप वॉच फंक्शन के साथ आती है ये वॉच। अच्छा, इस वॉच को मतलब चलाना कैसे है तो मैं एक बार परमिशन लेता हूँ कि इसको चला सकते हैं क्या। अब देखो इस वॉच को चलाते कैसे हैं, चलाने के लिए देखो कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको देखो यूँ खींचना है, यूँ खींचोगे तो इसका जो स्टैंड है वो निकल जाएगा। और ये घड़ी इतनी सी है सिर्फ। अब इस घड़ी में देखो ये एरो दिख रखा होगा, ये एरो, या तो आप यूँ करके इसको खोल के लगा सकते हो। देखो ये सेल निकल गया, सेल निकल गया। ये इसलिए लगाते हैं कि बैटरी रन नहीं हो, अगर अपन कस्टमर को दे रहे हैं तो बैटरी रन नहीं हो जब तक उसके पास पहुँचे और खुद ही अनबॉक्सिंग करें, फिर इसको दबा के सेल लग जाता है और ये मशीन चलना चालू हो जाती है। फिर उसके बाद ये बटन लगाना पड़ता है, देखो इस तरह ये लगा दिया बटन। और फिर उसके बाद ये स्टैंड के अंदर ऐसे डाल देते हैं अपन, तो ये पूरी की पूरी बॉक्स हो गई, मशीन चल चुकी है। मशीन में इन्होंने देखो क्या क्या बोल रखा है, ऐसे तो ये बताएगी, मिनट बता रही है, घंटे बता रही है, सेकंड बता रही है, और संडे बता रही है। अभी टाइम आपको साफ साफ दिख रहा होगा। एज दबाते हैं तो ये देखो अलार्म 1 बजे का बजना था, 1 AM का, देखो ये AM दिखा हुआ है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अलार्म को सेट करने के लिए कैसे करना होता है देखो। इसमें स्टॉप वॉच फंक्शन भी है, और एडजस्ट अलार्म टाइम, पुश एम 2 times टू एंटर इन टू अलार्म मोड, पुश एस टू चूज आवर एंड मिनट, पुश डी टू एडजस्ट राइट टाइम। ठीक है भाई, इन्होंने बोला एम को 2 बार दबाओ, एम को 2 बार दबाते हैं, 1, 2, ये अलार्म पे आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला 1 घंटा चाहिए, और अपन पुश एस बटन टू चूज आवर, ये भाई आवर का हो गया, मिनट का हो गया। अच्छा, पुश डी बटन टू एडजस्ट द राइट टाइम, डी से ये 1, 2 पे अपन ने कर दिया। और पुश रिटर्न टू एडजस्ट, पुश एम टू रिटर्न, अब एम दबाओगे तो रिटर्न हो जाओगे। तो भाई मंडे का अलार्म लगाया है अपन ने, और ये अलार्म लग चुका है। अब देखते हैं 1 सेकेंड, मंडे का था कि भाई संडे का था ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये अलार्म आ रहा है। तो 1 सेकेंड्स चल रहे हैं, आप देख सकते हो। एक बार अपन देखते हैं कि भाई 2 पे मतलब मंडे का अलार्म लगाया, आई थिंक ये संडे का लग चुका है अपने पास अलार्म। 1:01 हुआ है अभी, और घड़ी में भी अप्रोक्स इतना ही हो रहा है, कोई मासिक टाइम ऑटोमेटिक ही सही आया है। तो देखो कितने सेकंड चल रहे हैं। घड़ी की डिस्प्ले अच्छी है यार, दूर से बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, छोटी वॉच है। और आपके अगर आप कार वाले हो, 4 व्हीलर आपके पास, आपके लिए बेस्ट है भाई, बहुत बढ़िया है। और 1 सेकंड, बस 10 सेकंड के अंदर एक बार अलार्म देख लें, अलार्म बज रहा है नहीं बज रहा, फिर उसके बाद पता लगेगा इस घड़ी की कैसी साउंड है। अरे वाह, देखो बहुत स्वीट अलार्म है यार, अलार्म बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर स्टॉप वॉच भी है, और स्टॉप वॉच को करने के लिए मैं एक बार बता दूं, एम फंक्शन को दबाना होता है, और उसके बाद एम फंक्शन दबाने के बाद स्टार्ट कैसे करना है, पुश डी टू एंटर इनटू रिकॉर्डिंग टाइम, पुश डी अगेन टू स्टॉप, पुश एस टू रिटर्न टू द बिगनिंग मोड। अच्छा भाई, डी से ये स्टार्ट हो गया आपका स्टॉप वॉच। बहुत लोग बोलते हैं यार घड़ी ऐसी चीज़ में स्टॉप वॉच हो, आप जॉगिंग करने जाओ जब भी आपके हाथ में इतनी सी वॉच सही है, फ़ोन लेके जाओगे, खेलोगे कूदोगे, ये लेके जाओगे तो सिर्फ जो काम के लिए गए हो आप जॉगिंग के लिए तो वही करोगे। देखो फिर स्टार्ट हो गया, फिर रोक दिया, और एम से रिटर्न हो जाओगे आप वापस से। तो भाई मेरे हिसाब से ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब इसकी प्राइस पूछ लेते हैं, तो इसकी प्राइस कितनी है, हाउ मच, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ यार, मतलब 100 रुपीज़ में एक बात है, कार में भी लगा सकते हो, जॉगिंग के लिए भी ले जा सकते हो, और अनबॉक्स खोलने का अच्छा तरकीब है, देखो कितनी अच्छी तरह खुल रही है। और सेल चेंज करना हो तो ये देखो, ये दबाया, ये लो सेल निकाल दिया। तो
बेस्ट प्रोडक्ट है यार ये प्रोडक्ट, मैं दूंगा रेटिंग 10 में से 10 आउट ऑफ 10। तो बस यार आज के लिए इतना ही।